आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। फर्जी आईडी देकर ट्रेवल एजेंसी से वाहन की बुकिंग करके वाहन ले जाते समय सुनसान जगह पर मौका पाकर ड्राइवर को डरा धमका कर व वाहन का नंबर प्लेट चेंज कर वाहन लूट लेने वाले दो अभियुक्तों को गीडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त वाहन, लूट के वाहन, 2500 नकद, 3 मोबाइल, 6 एटीएम, 3 आधार कार्ड किया बरामद। एसएसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा तारामंडल स्थित एक निजी हॉल में निषाद समाज प्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने निषाद समाज के जनप्रतिनिधियों से किया संवाद, कहा निषाद समाज के आरक्षण की मांग को कांग्रेस के घोषणा पत्र में किया जाएगा शामिल, प्रदेश में सरकार बनने पर किया जाएगा पूरा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी के द्वारा प्रगतिशील किसानों को अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। 42वां उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का प्रांतीय अधिवेशन प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुआ संपन्न, कहा नई शिक्षा नीति को अपने संस्थानों में लागू करे प्रधानाचार्य, उत्तर प्रदेश को बनाए उत्तम प्रदेश। जनपद स्तरीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, कहा प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने का मिला है मंच, कृषि उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। गोरखपुर से काठमांडू बस सेवा शुरू करने को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक व नेपाल परिवहन के मंजूश्री ट्रेवल्स के चेयरमैन के बीच की गई बैठक। क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा जल्द ही किराया निर्धारित कर जनपदवासियों को नए वर्ष पर काठमांडू जाने की दी जाएगी सौगात। महानगर में जाम से निजात पाने के लिए एसपीसीटी ने 3 चौराहों पर लगाया बैरियर, कहा जाम की ज्यादा शिकायत मिलने पर अन्य चौराहों पर भी किया जाएगा प्रयोग। चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती तथा किसान दिवस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया उन्हें याद, लिया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प। और गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 360 केंद्रों पर 31,564 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 9,763 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 21,801 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अगर कहीं यात्रा पर जाना है तो उसे करें स्थगित।